क्या हाल है भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग आज ये सभी लोग जल्दी से लाइव और आज पच्चीस जनवरी पच्चीस जनवरी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि आज का पेपर का लेवल जो था वो देखेंगे किस हिसाब से पेपर का लेवल आया था क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे और बड़े दिन बाद हम लोग यहाँ पे लाइव मिल रहा है आप सभी से क्या हाल है सभी के सब बढ़िया है सब जबरदस्त है जल्दी से आ जाओ यार सभी लोग लाइव और जोरदार तरीके से एक बार सभी लोग यहां पे शेयर कर दो और सभी लोग जल्दी से आ जाइए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे ज्वाइन हो सके और समझ पाए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं क्या क्या चीजें नहीं आ रही है, वो सब कुछ यहां पे देखते हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या हाल है भाई सभी के चलिए गुड आफ्टरनून एवरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो चलो भैया पच्चीस जनवरी आ चुका है और देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ समझ समझते लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कल लेना यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे समझेंगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे चलो आते हैं सिलेबस के बारे में तो आज मैथमेटिक्स से तीस क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग से तीस क्वेश्चन और जला मैराज से कुल मिला के चालीस क्वेश्चन ये सिलेबस है जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए लेकिन उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आज के पेपर के लेवल के बारे में कि आज का पेपर कैसा रहा है क्योंकि थर्ड फेज का पेपर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले रेलवे ने क्या बदलाव करे हैं किस हिसाब से चीजें हैं किस हिसाब से नहीं है वो सब कुछ देखते हैं ओके आओ जरा सा तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की आज तो आज के जो पेपर का लेवल था जनरल अवेयरनेस की वो थोड़ा सा बढ़ गया था पहले दिन की अपेक्षा में देखा जाएगा तो थर्टी परसेंट पेपर का लेवल बढ़ा था बट कठिन नहीं था पेपर ये बात को समझिएगा थोड़ा सा अंदर चीजें तो जरूर पूछेगा जैसे धीरे 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 जैसे एग्जाम डेट आपकी जाते जाएगी जैसा पेपर खत्म होता रहेगा तो वो चीजें अंदर पूछना क्योंकि आपको पता यार क्या ही बचा रह गया पूछने को अभी लगातार बीस तीस से ज्यादा दिन हो चुके हैं जिस दिन पेपर हुए हैं तो क्या ही बचा रहेगा कुछ बचा तो नहीं रहेगा तो अंदर ही तो वो पूछेगा और अंदर ही तो आपको पढ़ना है इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करिए और अंदर तक की पढ़िए चीजें तभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी रीजनिंग की बात करोगे तो आज रीजनिंग सही सही आई थी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि रीजनिंग बहुत ज्यादा कठिन आ गया था सही सही रीजनिंग आई थी और मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स भी थोड़ा सा अच्छा आया था और मैथ्स भी आज आज का सेवनटीन परसेंट था तो मतलब इस हिसाब से आज पेपर आपके सामने आज में पूछे गए थे समझना है ध्यान से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से बता पाओगे कि हाँ सर जी इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था।, था, था कैसा था कैसा नहीं था ओके स्टार्ट करा जाए आज भाई सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं आप सभी ने सुना होगा नीला थोथा का नाम सुना भाई आप लोगों ने नीले थोथो का नाम सुना है आप लोगों ने बढ़िया क्वेश्चन था तो इसी को लेके क्वेश्चन आया था कि नीला थोता को हम लोग क्या बोलते हैं अब बताओ कौन बच्चा कहेगा कि सर ये कठिन क्वेश्चन था है ना कठिन ऐसा नहीं कि सारे कठिन थे पेपर में आया था कुछ कुछ, -कुछ अच्छे पेपर अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे आज एक बच्चा कह रहा है कि साइंस से कुल मिला सर जी आज यहाँ पे पांच से छह क्वेश्चन पूछेगा हमने कहा परेशान ना हो साइंस के लिए एक अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं एक आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना सभी को पता होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग

राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है यह भी क्वेश्चन आता है महाभियोग होता क्या है जब राष्ट्रपति संविधान के आप मतलब विपरीत कोई काम करता है या फिर कुछ भी चीज ऐसी पाई जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी राष्ट्रपति के द्वारा तो उसमें महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया कह सकते हैं तीसरा आया है था आई आईएमएफ क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आया था वो जरा देख तो मुझे कौन इसका बच्चा हेड बता पाएगा कि आई एम एफ का भी हेड कौन है तो कृष्णिन जॉर्जा सभी को पता पूरा कंप्लीट इनके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा हेडक्वार्टर यहाँ का पूछा जाएगा कि आई एम एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो क्या बोलोगे सर जी वाशिंगटन डीसी यहाँ पे क्या इसका हेडक्वार्टर है ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा जा तो इसका आप हेडक्वार्टर बता दोगे और अभी आई पे अगर देखा जाए जा तो कुल मिला के वन के आसपास यहाँ पे कुल मिला सदस्य है तो अगर अभी देखा जाए तो अभी तो जो है वन के आसपास में सदस्य बट अगर पीछे का पुराना पूछा जाएगा तो वन के आसपास यहाँ पे आप सदस्य बताते हो आई का ओके भैया नेक्स्ट पे आ जाओ अच्छा आज जो है फुल फॉर्म से कुल मिला के तीन क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चा बता रहा है और तीनों के तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा फुल फॉर्म का आया था जैसे आई पूछ लिया गया था ऐसा कुछ क्वेश्चन फुल फॉर्म से तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन आज अच्छे आए थे ये आपको याद रखना है एक आया था जो काठियावार प्रायदीप है ना काठिया आप लोगों ने साथ सुना भी होगा काठिया वार प्रायदीप सुना आप लोगों ने ये कौन से राज्य में स्थित है मतलब कौन से राज्य का यह हिस्सा है यह कह सकते हैं काठियावाड़ काठियावाड़ सुना शायद आप लोगों ने का नाम सुना है अच्छा फिर तो बिल्कुल बढ़िया है एक आया था कैलाश सत्यार्थी जी, जी जो है यह कौन से आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी जी आप सभी को पता है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को यह कौन से आंदोलन से संबंधित है यह क्वेश्चन पूछा गया था बताओ भाई बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा जो ठिया वार्ड प्रायदीप है यह एक्चुअली में संबंधित है गुजरात से कहां पर है गुजरात से संबंधित है बढ़िया क्वेश्चन था और कैलाश सत्यार्थी जो जो है ये तो ये संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से बचपन बचाओ आंदोलन ठीक इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आप सभी के पास दे रखे थे तो उसमें जो बचपन बचाओ आंदोलन था उससे संबंधित है कैलाश सत्यार्थी जी जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो पेपर में आपसे पूछा गया अब आते हैं कई सारे और भी क्वेश्चन करते हैं जो आज बच्चों ने भेज रखे हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मतलब आज का पेपर का लेवल अगर बोलूंगा तो वाकई अच्छा पेपर का लेवल था और अगर आपने सही से पढ़ रखा होगा तो आप कर लेना देखो बहुत जरूरी पुरानी जितनी भी फाइल्स है वो आपको कंप्लीट पढ़ना कंप्लीट सारी वीडियो क्लिस देखना इसके लिए प्ले भी हमने अपडेट कर दी है वो भी आपको जरूर देखना प्ले भी कंप्लीट चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई चलिए एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे आई एलो का पहली बात तो कुछ बच्चा कह रहा था फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये लेबर या ऑर्गेनाइजेशन यानी श्रम संगठन इसका पूछा पूछेगा हेडक्वार्टर कहां पर है तो जनता क्या बताएगी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और जेनेवा कहां पर है तो स्विट्जरलैंड इसका जो है आंसर सही आंसर हो जाएगा एक आता हवा की गति हम लोग कैसे मापते हैं किसकी गति स्पीड ऑफ विंड यानी कि हवा की गति हम लोग कैसे मापते हैं यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन था डेफ्त ऑफ ओशियन कैसे मापते हैं यानी अगर देखा जाए समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने मात्र वाले मात्र वाले में कराया नहीं था कि इसको कैसे मापते हैं उसको कैसे मापते हैं ये कंप्लीट करा रखा था तो ये भी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा चलो एक क्वेश्चन आया था कि भारत अपने दो के विनर कौन थे अच्छा किसको किसको मिला ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ऑप्शन दे रखा था। भारत रत्न उन्नीस के बारे में कि भाई किसको किसको मिला चार स्पीड ऑफ विंड एनिमोमीटर से मापते कैसे एनुमो मीटर, एनुमो मीटर, बढ़िया क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन था पेपर के लिए महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन था गहराई कैसे फेदोमीटर से मापते हैं यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना? है ना ऑफ गहराई फेडोमीटर से मापते हैं अगला क्वेश्चन आया था भारत था ने 2019 में किसको किसको मिला था तो याद रखियेगा आप भूपेन हजारिका जी को मिल चुका है प्रणव मुखर्जी को मिल चुका है और नाना देशमुख को तो भूपेन हजारिका जी को मिल चुका है प्रणव मुखर्जी जी को मिल चुका है और नाना देशमुख तो जी को मिल चुका है दो का जो आपका अवार्ड था भारत अपने वाला ठीक ये भी क्वेश्चन हो चुका है एक क्वेश्चन आया था साची का स्तूप जो अशोका के द्वारा बनाया गया था ये कहां पर है ये देखो फिर से आज ये पेपर रिपीट हो चुका है ची का स्तूप का दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है ये कहां पर है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बढ़िया क्वेश्चन है तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश पता है सभी को ना मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक महाभियोग मैंने आपको बता दिया 2019 का मैन बुकर प्राइस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसा कुछ था अभी कंफर्म तो नहीं पता चल पाया एक आया था बोन से बोन जो कनेक्ट करता है वो टीशू कौन सा है जो बोन से बोन कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं जैसे लिगामेंट बोलते हैं या फिर और भी क्या बोलते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आया था बोन से बोन वाला एक आया था एक लेक के बारे में कॉलेरू कोलेरू लेक।, लेक जो है ये कहां पर स्थित है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था लेक का बढ़िया क्वेश्चन था एक क्वेश्चन आया था कि गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसको जो आ, सारी जो न्यूट्रिशंस मिलती हैं वो किस तरह मतलब किस हिसाब से मिलती है कहां से मिलती है गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ किस स्पेशल टूसी के टीशू के थ्रू है वो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलते ये क्वेश्चन पूछा गया था मतलब अगर इंग्लिश में जो बच्चे ने क्वेश्चन भेज रखा वो भेजा है गेट्स न्यूट्रिशंस मैं लिख देता हूं फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ किस टीशू है ना तो ये आपको पता होगा प्लानसेटा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन है ना बढ़िया क्वेश्चन है राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था है ना प्लसेंटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था पेपर के लिए और कॉले जो लेक है ना भाई ये कहां पर है ये क्वेश्चन आया था है लेक तो लेक कहां पर है ये आंध्र प्रदेश में वेरी गुड यार तो कहां पर है आंध्र प्रदेश राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है लेक का भी क्वेश्चन उसने आज उठा दिया जो कि अभी तक पूछा नहीं जा रहा था बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है जो आपके बोन से बोन को कनेक्ट करता है बोन से बोन को कनेक्ट करता है तो आपको पता है लिगामेंट कहलाता है ये क्या कहलाता है लिगामेंट कहलाता है बोलो बोन से बोन वाला क्या कहलाता लिगामेंट कहलाता है कि क्या कहलाता भाई कि टेंडन कहलाता दो चीजें एक तो लिगामेंट है और एक होता आपका टेंडन तो ये दोनों में से क्या कहलाता जो बोन से बोन कनेक्ट करता है <ślecc Uno> अच्छा ठीक है अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई ये भी क्वेश्चन हो गया ये भी क्वेश्चन हो गया ठीक है एक क्वेश्चन आया हाँ था कि आई का फुल फॉर्म पूछा गया था आई ये फुल फॉर्म पूछा गया था आई का फुल फॉर्म एक क्वेश्चन आया था चौबीसवा कौन है ट्वेंटी फोर्थ तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के तीर्थंकर होते थे आपको पता है तो जो चौबीसवें तीर्थंकर है वो कौन थे गुप्ता एम्पायर के बाद कौन सा आया था किंग ऐसा क्वेश्चन आया था किंग आफ्टर गुप्ता एम्पायर यानी गुप्त वंश के बाद जो है वो कौन सा किंग आया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है

अच्छा अगला आया था IDN का फुल फॉर्म एक बढ़िया क्वेश्चन था आईडीएन ही कुछ और भी अच्छा आई डी एन का फुल फॉर्म क्या होता IDN का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम क्या होता है इंटरनेशनलाइज इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम ये होता IDN का फुल फॉर्म है ना बढ़िया क्वेश्चन था ये और फुल फॉर्म के बारे में ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन आ चुका तो जो शायद बच्चों को नहीं पता होगा ये फुल फॉर्म का ये जो क्वेश्चन था तो ये आइडियन का हो गया ठीक है बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन हो गया चलो अगला क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन आया था आज कि अगर जो है किसी घन का जो है साइड है घन का अगर कोई भुजा है अगर इस भुजा को हमने जो बढ़ा दिया फिफ्टी परसेंट तो इसका जो सीएस होगा इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका जो वक्य पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर किसी घन की हमने भुजा जो है उसको हमने बढ़ा दिया है लाइक आर ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट नहीं था तो उसके वक्य पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा

अब क्या हो जाएगा सिक्स डेढ़ सौ गुड़े डेढ़ सौ करोगे अरे हाँ या ना तो देखोगे दो सौ पच्चीस डबल जीरो और इंटू सिक्स करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा तेरह सौ पचास ऐसे कुछ करते करते आएगा देखते साथ पंचे तीस जीरो और छह दुनिया बारह तीन पंद्रह और छह दुनिया बारह एक तेरह इतना आ गया। पहले कितना था इतना था अब कितना इतना है जब आप इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो आपको यह कंप्लीट समझ आएगा कि एक सौ पच्चीस परसेंट जो होता है वो साइड घन की जो एरिया होगी वो बढ़ जाएगी 125 परसेंट ठीक अच्छा क्वेश्चन है यह भी बढ़िया क्वेश्चन ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं ठीक ओके अच्छा दूसरी बात जो है वो और भी अच्छे कर सकते हो कि हमें जो यहां पे ये सब चीजें भी नहीं करनी अगर मान लो हम ये सब चीजें नहीं करनी चाह रहे कि सर ये सब यार बहुत लंबा हो जा रहा है हमें एक सिंपल सा तरीका बताओ तो आप ऐसे कितने बच्चों ने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पढ़ रखा जो हमने कराया था सक्सेसिव वाले से पढ़ रखा आप लोगों ने सक्सेसिव वाले से

ठीक चलो वो फॉर्मूला छोड़ दो अगर हमें सीधे एरिया के बारे में पूछ रहा है तो वो भी फॉर्मूला हम छोड़ देते हैं ठीक और आते हैं अभी और भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आया था हाइट एंड डिस्टेंस जो बच्चे ने कहा हाँ, बिल्कुल 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 सरफेस एरिया टोटली आपसे ऐसा कुछ करके ही पूछा गया था एक क्वेश्चन और आ जाओ बढ़िया क्वेश्चन ये भी ले लेते जरा बच्चों का क्वेश्चन है रूट सेवन प्लस रूट टू डिवाइड बाई रूट सेवन माइनस रूट टू इज टू दे रखा था एक्स प्लस रूट थ्री वाई और आपसे कह रखा था कि y बराबर कितना आएगा ये बताइए भाई ये क्वेश्चन आ जाया जाए सेकेंड सिर्फ से स्टार्ट आपका पेपर है बहुत बढ़िया बताओ भाई क्या आएगा अब देखो हमें क्या करना, इसका कर करना है इसका परमे कड़ कर देना बोलना तो रेशनलाइजेशन कर देना ऊपर नीचे रूट माइनस वाले से माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो है ना अब ऊपर स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो दो और अंडर रूट में आ गया सात दूनी चौदह टू ए बी ठीक नीचे क्या आ गया सात में से दो घटा दो तो सात में से दो घटा दो पांच आ गया इतनी बात तो क्लियर हो गया रूट चौदह था यहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं है ना अच्छा ठीक है अरे भाई रूट चौदह कह रहे कुछ बच्चा दे रखा था ठीक है अंडर रूट चौदह था, था अंडर रूट चौदह मतलब क्या दे रखा था सात दे रखा था कि क्या देखो यही तो क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था चौदह कहां दे रखा था मुझे ये बताओ तो मैं बता दू बहुत बढ़िया ये पूरा नहीं है ठीक है क्या क्वेश्चन था दीक्षा आज आपका पेपर था बेटा आपका आज आपका पेपर था आज आपका पेपर था ठीक है रूट चौदह है कुछ बच्चे कह रहे हैं। तो देखो चौदह अगर दे रखा हो तो चौदह पे ही सॉल्व करो देखो वैसे डाटा आपको मैं बता देता हूं करना सिर्फ एक चीज है अगर आपको इस पे दे रखा हो चाहे उसको दे रखा हो आपको एक ही चीज पे करना है कोई भी डाटा दे रखा हो उससे कोई फायदा नहीं है एकदम आराम से कर पाओगे देखो ध्यान से क्या पेपर था कैसा हो गया पेपर दीक्षा आपका बहुत बढ़िया मैसेज करिए मुझे व्हाट्सएप जरा करिए बेटा ठीक है दीक्षा चलो और जरा क्वेश्चन देखते पहले क्या एक काम है सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कुछ भी खास काम ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना सिर्फ हमें एक सिंपल सा एक काम आपको यह करना है कि चलो हाँ, तो एक सिंपल सा काम ये करना कि आपको सिर्फ यहां पर मे कर, कर देना जैसे एज एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल मान लेता हूं अब यहां डाटा अगर बच्चा कह रहा नहीं कंप्लीट है अगर देखो डाटा नहीं सही रहेगा तो होगा क्या कि यहां पर रूट थ्री नहीं बनेगा वो फिर आपको रूट थ्री बनाना पड़ जाएगा तो आपको डाटा जो है वहां पर कंप्लीट चाहिए डाटा जो है क्या है अगर डाटा वो मुझे कंप्लीट पहले मिल जाए तो सिम सिंपल सा कर पाएंगे चलो ये भी हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक आया था सम चतुर्भुज दे रखा था सम इसका विकर्ण दे रखा था यह सत्रह कोई भी एक विकर्ण दे रखा था और यह दे रखा था तेरा है।, ना तो हमसे एरिया पूछा गया था कि एरिया क्या आएगा ऐसा क्वेश्चन था सत्रह दे रखा था, ये ये था तेरा यह पूछा गया था एरिया कितना आएगा ठीक है अच्छा तो मुझे बताइए कम से कम क्या दे रखा था सही डाटा जो है वो मुझे बताइए कि सही डाटा क्या दे रखा था अगर आप सही डाटा नहीं बताओगे तो फिर मजा नहीं आएगा है ना चलो भाई आ जाओ सही डाटा बताओ अच्छा बोट एंड स्टीम तो मैंने करा दिया भैया आप क्या ही करा दे बोट एन स्टीम में ठीक एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे लग रहा भेजा एक बच्चे ने सेवेंटी सेवन थ्री अटेम्प करे मैथ के बहुत क्वेश्चन पूछे कहते ठीक है दे रखा था ये डाटा ये डाटा दे रखा था दे रखा था अच्छा डायगोनल सोलह था और एक साइड सत्रह कह रहे दे रखे थे ठीक है भाई रख लो ये डायगोनल 16 था और एक साइड रहा बच्चा सत्रह दे रखा था तो यही कर लेते हैं अब रोमबस के डायगोनल एक दूसरे को कट भी करते है मतलब रोंबस। रोंबस एरिया तो आपको क्या करना है यहां से जब इसको लाइन खींचोगे तो ये जो सोलह लिखा ना ये आठ और आठ में टूट जाएगा अब यहां पर नाइनटी वन तक क्यों क्योंकि चारों साइडें बराबर होती है रोमबस की यानी कि सम चतुर्भुज की आठ सत्रह तो ये पंद्रह होगा क्योंकि आठ पंद्रह सत्रह तो अगर इतना पंद्रह होगा तो क्या पूरा भी पंद्रह होगा तो पूरा तीस हो जाएगा तो एक डायनोन आपको मिल गया तीस और दूसरा डायनो आठ सोलह दे रखा है तो सोलह से करोगे दो अठा सोलह आठ चौबीस आंसर आएगा दो सौ चालीस अब बस आप आराम से इसको क्वेश्चन को आगे फिर सॉल्व कर पाना ठीक है इतनी बात सभी को क्लियर कोई परेशानी नहीं सबको एकदम बात क्लियर हो गया चलो भैया इतने क्वेश्चन आ गए और एक क्वेश्चन बच्चा कह रहा है क्या ठीक है। बिहार में कब से शुरू होगा वो बिल्कुल तब आपको भाई बिहार वाला तो सारी चीजें आराम से दिये दिये। पता चली जाएंगे कि बिहार में से क्या होगा, से नहीं होगा। तो भाई इसने हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं तो टीम ने कौन कौन को से क्वेश्चन कलेक्ट करे वो जरा देखते हैं आ जाओ तो एक आया था कॉलेज हुई पे कर ले तो प्रदेश इधर राइट आंसर आंध्र प्रदेश बिल्कुल अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो जरा समझो क्या सारी झीलों का हमने यहां पे आपको फाइल दे दिया ये सभी के सभी जब टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ एफ जाएंगे ना तो कंप्लीट मिल जाएगा और आपको कंप्लीट सारी बातें यहां पे समझ जाएंगे इसीलिए इसको जरूर करिएगा जो कॉलेज झील है ना वो मीठे पानी की झील है और 98 एट परसेंट आपका आंध्रा में है और तमिलनाडु में यह फोर है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके पास पूछा पड़े पूछा जाएगा नेक्स्ट पे आता है कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है क्वेश्चन आया था तो कुल मिलाकर देखो याद रखना छह प्रमुख अंग है, जिसका है कि उसमें और, सुरक्षा सारी रखना, और कौन कौन से न्यायालय न्याय परिषद या फिर जो होता वो है वो या फिर सचिवालय ये छह उसके पार्ट है कौन सा नहीं है ये आप यहाँ पे समझ लेना कि कौन सा नहीं है ये बिल्कुल आराम से कर पाओगे आई एल ओ का हेडक्वार्टर मैंने बता दिया है तो पहले वो वीडियो मैंने एनालिसिस करा दिया जाके वहां पर आई एलओ का हेडक्वार्टर देख लेना चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया था यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन आया था तो भैया कौन आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद तो याद रखेगा बिल्कुल सही आंसर होगा जरा समझना कि क्या क्या मामला वो जरा समझिएगा क्या कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद 335 में उसका पुत्र था और कुमार देवी उनका पुत्र और कुमार देवी का पुत्र था क्या नाम था समुद्रगुप्त वो राज गद्दी पर बैठा था और समुद्रगुप्त के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारियां फिर पता ही है कि समुद्रगुप्त अच्छा कवि था ये था वो था इसको कई सारे नाम भी दिए गए थे भारत का नेपोलियन भी कहा गया सब कहा गया खिलाफत आंदोलन कब हुआ था यह क्वेश्चन पूछा गया था तो तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो यह हुआ था सर उन्नीस और अंत से कक्षा में कितने लोग हैं ए की रैंक सत्ताईस है सत्ताई ऐसा कोई क्वेश्चन था बी का शुरुआत से सातवां और अंत से छत्तीसवां तो अगर एक ही बी ही का पता तो हमें पूरे कक्षा में लोग कैसे नहीं बता पाएंगे एल प्लस आर माइनस वन यही दे रखा था सात से तेरह यानी तिरालीस माइनस एक यानी पूरे कक्षा में बयालीस लोग थे एक ही जरूरत है नहीं है एक ही जरूरत अच्छा बयालीस ही दे रखा था ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन कह रहे बयालीस ही दे रखा था फिर तो सही अगर बयालीस ही दे रखा होगा फिर तो सही हो जाएगा ओके चलो हाइट एंड डिस्टेंस एक बच्चा बता रही है कि चार से पांच क्वेश्चन पूछे गए

कि आमीटर किस लिए है एनिमोमीटर किस लिए है ऑडियो फोन किस लिए है बाइनोकुलर किस लिए है बैरोग्राफ किसके लिए है ससको अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है भूकंप को किस में मापते हैं भूकंप को तो भाई कौन सा अच्छा बच्चा नहीं बता पाएगा भूकंप वाला सब बोलेंगे सर जी सिस्मोग्राफ से सबको पता होगा भूकंप मापने वाला ये भी आज एक क्वेश्चन आता है भूकंप को कैसे तो सिस्मोग्राफ बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक अगले क्वेश्चन पे आ आज भाई आईएमएफ में कितने सदस्य हैं तो वन एट्टी नाइन इज राइटर वन एट्टी नाइन सदस्य होगा तो यह पूछा जाएगा तो जो में दूसरी बड़ी बात है अध्यक्ष मैंने ऑलरेडी बता दिया और इसका हेडक्वार्टर भी आपको बता दिया यह आपको बहुत सारी चीजें यहां पे कंप्लीट हो जाएगा अच्छा इसके अलावा देखो फाइल है लेकिन यह सब फाइलें आप आप कल डाउनलोड करना क्योंकि इन सभी पे ऑफर आ रहा है बढ़िया जितनी भी सारी की सारी पी है बहुत तगड़ा ऑफर आएगा और ऐसा तगड़ा ऑफर आएगा ना कि 26 जनवरी आपके लिए 26 जनवरी हो जाएगी कल 26 जनवरी को पूरी की पूरी एमडी क्लासेस की टीम से आपको मिलने का मौका मिलेगा कौन क्या वर्क करते हैं ऑफिस कहां पर है किस तरीके से ऑफिस चल रहा सब कुछ जानने को मौका मिलेगा कल सुबह आपको टाइम पता चल जाएगा कुछ ही देर में कल बस तैयार रहिएगा बारह बजे से पहले सारा काम खत्म कर देंगे जबरदस्त तरीके से और एक कंपाइलेशन वीडियो भी लेकर आएंगे अभी तक जितना भी पढ़ाया है जितना भी नहीं कराया है वो सब कुछ कंपाइलेशन वीडियो लेकर आएंगे बट क्या बात करना चाहती है जनता आज किसी का पेपर था सर जी वा बात कराइए किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे किस हिसाब से नहीं आए थे वो सब बात कराया जाए पक्का है करोगे बात ठीक है चलो आते बात कराते हैं कि कौन कौन सा पेपर हुआ था किस हिसाब से पेपर हुआ था तो आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में एक बच्ची ऐड है है ना आ, नाम शायद उनका रिचा है तो बात करते हैं इनसे आज इनका पहले में पेपर था और किस हिसाब से इनका पेपर हुआ क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने करे हैं और कितना अटेम्प करें पेपर का लेवल क्या था क्या नहीं था वो सब कुछ करते हैं ओके चलिए हेलो जी रिचा से बात हो रही है बेटा जी गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल है अच्छा पेपर था आज आपका पहले शिफ्ट में

तीनों में से रीजनिंग से अच्छा ठीक अच्छा, था, हाँ। था, हाँ। थी। अच्छा, है चलिए और बाकी हाल चल क्या थे मतलब आ, अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो क्या डाइस से कोई क्वेश्चन आया था डाइस से या फिर क्लॉक से या फिर हाँ, कैलेंडर से आपने बताया निकालना है अच्छा गया ठीक है तो डाइस भी हो गया होगा क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं नहीं क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था गांधी जी पे कोई क्वेश्चन नहीं था पे कोई क्वेश्चन नहीं था ठीक है एक क्वेश्चन था डांस डांस पे था लोकल था लोकल लिखा हुआ ये था कौन से स्टेट का है अच्छा ठीक है डांस फॉर्म के क्वेश्चन अभी भी आ रहा है अच्छा ये करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आया था ये सबके अलावा आईएमएफ के अलावा आईएलओ के अलावा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन में यही सब था और डीप में क्वेश्चन आए थे अच्छा ठीक है ये चीजें कंप्लीट हो गई और बाकी जो है अभी अच्छा बाकी वहाँ पे क्या सेंटर आपका किस कॉलेज में गया था लखनऊ में कहा तुपर, अच्छा, तो सेंटर में मतलब आने जाने में कोई दिक्कत हो रहा हो या फिर वहाँ एंट्री करने में अच्छा और एडमिट कार्ड लेके जाना और बच्चा पूछ रहा है की सर जी आधार कार्ड उसे वर्जन लेके जाना है या फिर कोई ऐसा जो फोटो कॉपी लेकर जाना है नहीं एक ओरिजिनल लेके तो थी। अच्छा, और फोटोकॉपी नहीं चलेगा अच्छा ठीक है और बाकी अच्छा आने वाले जिन बच्चों का पेपर है उन्हें क्या कहना चाहिए किस हिसाब से क्योंकि फेज थ्री आने वाला बच्चा ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है फेज थ्री है किस हिसाब से वो चीजें करे किस हिसाब से वो चीजें पढ़े बस ये अब जो ऊपर ऊपर जितना भी क्वेश्चन आना था ना वो आ चुका अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं सही बात है अब उसे खाली सारे एनालिसिस हाँ। तो देखे देखे लेकिन हर क्वेश्चन जितना डिटेल हो पाए उतना वो जरूर पढ़े है ना ये चीजें तो बिल्कुल हाँ, सही बात है हाँ। चलिए कोई तो भी कोई भी क्वेश्चन अब ऊपर से नहीं आने वाला जो भी अब सीट में ही आएगा हाँ 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 सही बात है ये क्या हाल था वहाँ पे बच्चे आए थे की नहीं आए थे, नहीं, पूरे बच्चे थे हमारे में तो अच्छा बच्चे ज्यादा आते वैसे भी लखनऊ वाले जो होते होशियार होते उनका सेंटर जाता है तो जरूर जाते हैं चलिए ठीक है थैंक यू सोमा भी कुछ नया तो ऐसा कुछ था कि कुछ नया आ गया था या फिर मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन कैसे थे डीआई आई थी मैथ्स में थी, एक एक ही आई थी अच्छा एक थी, सिंपल हाँ। सेवेंटीन परसेंट हाँ। क्या होगा वो निकालना था जी था अच्छा अच्छा, 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 अच्छा। चलिए ठीक है चलिए ठीक है अब आप आराम से ध्यान दीजिए आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ या फिर सीएचएसएल का या फिर आईबी का कोई और भी फॉर्म का आया नहीं कर दिक्कत है सर मैंने सत्रह सोलह की जो वैकेंसी थी वो भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो वो जब तक ज्वाइन नहीं होगी तब तक जो है फिर यूपीएसआई का नया वैकेंसी तो नहीं आएगा मे भी अब देखो दो साल ऐसी पिछला तो चल ही रहा मामला पता नहीं इस साल भी आएगा की नहीं आएगा वो भी नहीं कह सकते

तो ये भाई रीचा से बात हुई है जिनका पेपर आज 78 हुआ सेवेंटी एट अटैम्प हुआ एक बार एक काम करो साढ़े चार हजार से ऊपर बच्चा देख रहा और लाइक मात्र वन पॉइंट सेवन है आपने वो सुना न्यूट्रन का थर्ड लॉ सुना है कि नहीं आप लोगों ने सुना हुआ एक एक्शन रिएक्शन वाला था जिस हिसाब से आप एक्शन करोगे उस हिसाब आप से आपको रिएक्शन मिलेगा साथ हमें लगना मैक्सिमम बच्चों ने सुन रखा होगा या बचपन में हमारे एक कहानियां सुनाई टिट फॉर टैट वाला है ना कि अगर आप लाइक्स नहीं करोगे तो आपको लाइक्स नहीं मिलेगा ऐसा कुछ करके सुना होगा आप लोगों ने है ना कि आप अगर सर का पढ़ाया हुआ उस पर लाइक नहीं कर रहे हो तो सर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा कि नहीं आ गया ऐसा कुछ कहानी एक बहुत पहले चलता था नहीं सुना था फिर तो ठीक है अगर जब बच्चों ने कह रहे हैं कि हाँ सर नहीं सुनाता नहीं सुना तो फिर तो बहुत अच्छा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं मेहंदी वाला तो आप माना खत्म है ठंडी में ऐसा कौन ही मेहंदी लगाएगा है ना इतनी ठंडी में लोग नहा ले पानी छू ले सुबह वही बहुत बड़ी बात होती है मेहंदी तो बहुत धूप की मतलब पानी जम जाता है तो भाई एक काम करिए सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और पेपर इजी आ रहा है बट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो है मतलब जितना डिटेल हम आपको पीडीएफ में दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है जैसे हमने आपको अगर खाली एक चीज के बारे में पूछा हमने सब बता दिया सब बता दिया और आपको सब खोजना भी है कि भाई क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है वो सब खोज के रखिए मजा आ जाएगा कंप्लीट तरीके से तैयारी करने में और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा तो पेपर आपके लिए बहुत तगड़े से है कल आपको 26 होना रही है सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही है ना कि एक साल और आज़ादी के निकल गए और जो है अब हमारा आज़ाद होने का समय आ चुका है और बेहतर तरीके से तैयारी करने का समय आ चुका है टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो मिलेंगे सीधे हम लोग शाम को छः बजे एक बेहतरीन कंप्लीट वीडियो के साथ कल की जो आपके लिए कम्प्लीट होगा वो कल का जो है कल आई थिंक तो पेपर होगा नहीं किसी का है ना वैसे भी कल ट्वेंटी ऑफ जैन है तो सभी चीज़ें बंद रहती तो कल पेपर होगा नहीं तो कल पूरी की पूरी टीम से आपको मिलने का मौका मिलेगा कि क्या क्या है चीज़ों में क्या क्या काम चलता है कैसे कैसे चीजें होती है और कंप्लीट अभी तक जितना हुआ उसका कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो आपको देखने को मिलेगा और उसकी कंप्लीट भी बन जाएगी तो आपको कुछ भी इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ आपको बना बनाए मिला मिल जाएगा ओके थैंक यू सो मच सभी बच्चों का लाइक like कर दीजिएगा सभी लोग शेयर कर दीजिएगा मिलेंगे शाम को छह बजे तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू सो मच